भारतीय सेना को तो हम जानते हैं कितने बहादुर और कितने साहसी हैं। आए दिन घाटी से खबर आती है कि भारतीय सेना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, उनके पूरे कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन अब जो खबर सामने आई, उसे सुनने के बाद कट्टरपंथी और जिहादियों में हड़कंप मच गया। वो सोच रहे हैं कि भाई सेना ने कश्मीर में ये क्या कर दिया। जी हाँ, सेना ने कश्मीर में एक और बेहतर काम किया है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। सेना ने मशहूर पर्यटक स्थल गुलमार्ग में करीब 106 साल पुराने शिव मंदिर को फिर से मरम्मत करके नया तैयार किया है जो बिल्कुल बंद था। करीब 3 महीनों में सेना ने इस मंदिर की मरम्मत की है। उसके बाद इसे फिर से पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए खोल दिया गया है। ये मंदिर साल 2015 में महाराजा हरि सिंह की पत्नी महारानी मोहिनी बाई सिसोदिया ने बनवाया था। इस मंदिर की देखरेख एक मुस्लिम परिवार करता है। जानकारी के मुताबिक गुलमार्ग में पर्यटन स्थल पर शिव मंदिर है। इस मंदिर की हालत जर्जर हो गई थी, मंदिर से लेकर सीढ़ियां तक हालत खराब थी। राजेश खन्ना की फिल्म आपकी कसम का गाना जय जय शिव शंकर काटा लगे ना कंकर भी इसी मंदिर में फिल्माया गया था। लेकिन 3 सालों से इस मंदिर की मरम्मत तक नहीं करवाई गई थी। कोरोना के इस दौर में वैसे ही कश्मीर में पर्यटक कम आ रहे हैं। ऐसे में सेना की तरफ से इस समय को चुनते हुए 3 महीने पहले मंदिर की मरम्मत के काम को शुरू किया गया। अब इसे फिर से तैयार कर खोल दिया गया है। सेना ने मंदिर से लेकर सीढ़ियों को तैयार किया है जिससे कि मंदिर को काफी सुंदर बनाया गया और मंदिर काफी सुंदर भी दिख रहा है। इन सबके बाद जिहादी और कट्टरपंथी सोच में पड़ गए। वो कह रहे हैं भाई सेना तो अभी तक दुश्मनों को ही मारती थी, लेकिन अब ये क्या कर रही है कश्मीर में। आपको बता दें सेना ने आसपास फूल भी लगवाए हैं। ये मंदिर बीच में स्थित है। सोने की पीर पंजाल ब्रिगेड की तरफ से इस काम को किया गया है। कमांडर बीएस फोगाट का कहना है कि सेना की तरफ से इस मंदिर को फिर से ठीक किया गया। मंदिर की देखरेख का काम एक मुस्लिम परिवार कर रहा है। कश्मीर में दोनों समुदाय में बहुत प्यार है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अमन यादव, वीके न्यूज़, दिल्ली।